आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऋषिकेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ खबरें उठाने वाले पत्रकार योगेश डिमरी पर शराब माफियाओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया। इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार और पुलिस दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच चर्चा यूपी की होने लगी है, क्योंकि पत्रकारों की सुरक्षा और सहायता को लेकर यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस से ज्यादा संवेदनशील दिखाई दी है। कुछ महीने पहले यूपी के डीजीपी की ओर से जारी एक सर्कुलर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के डीजीपी ने राज्य के सभी एसएसपी एसपी को पत्र भेजा है। इस पत्र में आदेश है कि पत्रकारों की समुचित सुरक्षा के साथ उनके साथ शिष्ट व्यवहार अमल में लाएं और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। इस पत्र में तीन मुख्य बातें सुनिश्चित करने को कहा गया है। पहला, पत्रकारों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक सक्षम अधिकारी नामित किया जाए। ऐसा किया गया है या नहीं, ये सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि पत्रकारों के जीवन भय के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था और उनके साथ शिष्ट व्यवहार किया जा रहा है या नहीं। तीसरा सवाल पूछा गया है कि पत्रकार और उनके परिजनों के विरुद्ध मिथ्या तहरीर के आधार पर अभियोग तो पंजीकृत नहीं किए गए हैं। ये वो सवाल हैं जो तमाम एसएसपी से यूपी में पूछे गए हैं। इधर यूपी में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की इस पहल की सराहना होने लगी है, मगर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में पत्रकार सरे राह पिट रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, वो भी शराब माफियाओं की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।